हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं हमारा एप्टीट्यूड का न्यू टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। ये एजेस के प्रॉब्लम आपको लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो एजेस के प्रॉब्लम समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। सपोज करो कि यहाँ पे आपको किसी पर्सन का प्रेजेंट एज दिया है एक्स। ओके, तो अगर किसी पर्सन का प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो आफ्टर ये ईयर एगो, ओके, ये ईयर के पहले उसका एज कितना होगा। सपोज करो कि आपका एज अभी 20 साल है। ओके, आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले आपका एज कितना होगा, तो ऑब्वियसली 15 होगा। कैसे किया आपने, क्योंकि 20 से आपने 5 को माइनस किया। तो वैसे ही प्रेजेंट एज अगर एक्स है किसी पर्सन का, तो ये ईयर एगो मतलब ये साल पहले उस पर्सन का एज कितना होगा, दैट इज एक्स माइनस ए होगा। ओके, और आफ्टर ये ईयर उसका एज कितना होगा, दैट इज एक्स प्लस ए होगा। अगर मैं कहता हूं कि आपका प्रेजेंट एज अगर एक्स 20 है तो 5 साल बाद आपका एज कितना होगा, ऑब्वियसली 25। तो 5 साल बाद आपका एज भी बढ़ेगा 5 से। ओके, और 5 साल पहले आपका एज भी घटेगा 5 से। ओके, नाउ तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट है, ये ईयर एगो द एज इज एक्स। ओके, ये साल पहले किसी पर्सन का एज अगर एक्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं थोड़ा डायग्राम बना समझाता हूं आपको। ओके, तो यहां पे आपका प्रेजेंट एज है एक्स। ओके, यहां पे आपका प्रेजेंट एज रहेगा ये साल पहले मतलब ये ईयर एगो। ओके, यहां पे आपका ये ईयर एगो, यहां पे आपका एज दिया है एक्स। ओके, तो आफ्टर ये ईयर आपका एज कितना होगा, ऑब्वियसली एक्स प्लस ए होगा। ठीक है ना, ये ईयर पहले आपका एज कितना दिया था, एक्स दिया था, तो आफ्टर ये ईयर आपका एज कितना होगा, एक्स प्लस ए होगा। ओके, और इसमें भी अगर मैं ये ईयर ऐड करता हूं मतलब आफ्टर ये ईयर आपका एज कितना होगा, तो इट इज अ एक्स प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अगर आपका 5 साल पहले आपका एज 15 दिया है यहाँ पे। ओके, तो 5 साल बाद आपका एज होगा 15 प्लस 5, और उसके नेक्स्ट 5 ईयर में आपका एज होगा 15 प्लस 5 प्लस 5 इस तरीके से। ओके, मतलब यहां पे आपका एज 15 है तो यहां पे 20 हो जाएगा, यहां पे 25 हो जाएगा। ओके, वही बोला है कि ये ईयर एगो द एज इज एक्स, ये साल पहले आपका एज एक्स है, तो ये आफ्टर ये ईयर कितना होगा। ओके, तो ये ईयर आफ्टर द एज इज एक्स प्लस ए प्लस ए, लाइक दैट। ओके, नाउ यहां पे आपको कुछ सिनोनिम्स पता होने चाहिए। ओके, एल्डर मीन्स बड़ा होता है, ये मीनिंग आपको ध्यान में होना चाहिए, और यंगर मीन्स छोटा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम में दो पर्सन के एजेस का प्रोडक्ट दिया है, ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन बी ए, दो पर्सन के एजेस का आपको प्रोडक्ट दिया है, सो इन दैट केस आप एक पर्सन का एज एक्स अज्यूम करोगे तो दूसरे पर्सन का एज आप ये बाय एक्स अज्यूम करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, ये आता है। तो अगर आपको दो पर्सन के एजेस का अगर प्रोडक्ट गिवन दिया है तो फर्स्ट पर्सन का एज एक्स अज्यूम करना और दूसरे पर्सन का एज जो है वो ये बाय एक्स अज्यूम करेंगे आप लोग। ठीक है ना, अब चलो करते हैं कुछ प्रॉब्लम इसपे। ओके, नाउ तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स इज एज 5 ईयर बैक। ओके, तो आपको क्या गिवन दिया है जरा ध्यान दो। ओके, क्या बोला है, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर, राजीव का एज जो था 15 साल बाद, ओके, आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स इज एज 5 ईयर बैक। ओके, तो 15 साल बाद जो उसका एज था वो इक्वल है, किसके बराबर इक्वल है, 5 टाइम्स इज एज, ठीक है, 5 ईयर बैक। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको राजीव का प्रेजेंट एज आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, काफी आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, लेट यहां पर मैं अज्यूम करता हूं राजीव प्रेजेंट एज बी एक्स, राजीव का प्रेजेंट एज एक्स है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ओके, अब आपको क्या बोला है, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर। ओके, तो राजीव का एज आफ्टर 15 ईयर कितना होगा, एक्स प्लस 15 होगा। ठीक है ना, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर कितना होगा, एक्स प्लस 15। ओके, हाँ, विल बी 5 टाइम्स, ये बराबर है, किसके बराबर है, विल बी 5 टाइम्स। ओके, हिज एज 5 ईयर बैक, उसका एज जो रहेगा 5 साल पहले। ओके, तो मतलब एक्स माइनस 5,
वाई एक्स माइनस फाइव, क्योंकि राजीव का एज 5 साल पहले तो एक्स माइनस, राजीव का प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, और 15 साल बाद उसका एज हो जाएगा एक्स प्लस 15। तो एक्स प्लस 15 ये 5 टाइम्स x-5 के बराबर है। तो यहां से अभी हम एक्स क्यूल निकालेंगे, तो एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5x-25। ठीक है, x को राइट में लेके जाओ, बाकी सबको लेफ्ट में लेके आओ, तो यहां पे 15+25 इज इक्वल टू 5x-x। गॉट इट नाउ? तो यहां पे कितना होगा, यहां पे होगा 40, करेक्ट, 40 इज इक्वल टू 4x। ओके, सो दैट इज x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 40/4, दैट इज x इज इक्वल टू 10 ईयर। तो राजीव का अभी का जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। ओके, तो अभी हम हमारा आंसर चेक करके देखते हैं। ओके, अगर राजीव का प्रेजेंट एज 10 साल है तो 15 साल पहले उसका एज कितना होगा, ओके 15 साल बाद उसका एज कितना होगा, 10+15 दैट इज 25। ओके नाउ ये बराबर है किसके बराबर है, 5 टाइम्स। ओके चेक करो, 5 टाइम्स हिज एज बिफोर 5 ईयर। ओके मतलब यहां पे होगा 10 माइनस 5 मतलब 5 दैट इज 25। तो 25 इज इक्वल टू 25, तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है। ओके नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द एज ऑफ यंगर पर्सन डिफर बाय 16 ईयर। ओके, तो यंगर पर्सन का एज जो है, ओके यहां बोला है द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16। ओके द एज ऑफ सॉरी यंगर पर्सन नहीं 2 पर्सन, द एज ऑफ 2 पर्सन्स ओके डिफर बाय 16। 2 पर्सन के एजेस का डिफरेंस 16 ईयर है। ओके और आगे बोला है इफ 6 ईयर एगो, ओके 6 साल पहले द एल्डर वन मतलब जो बड़ा है, ओके एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वंस। ओके 6 साल पहले जो बड़ा है, ठीक है ना, उसका एज है, उसका जो एज है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन। ओके फाइंड द प्रेजेंट एजेस। ओके तो दोनों के यंगर वन और एल्डर वन का हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो काफी इजी प्रॉब्लम है ये। ओके आप एक काम करना, देखो जब भी 2 पर्सन के एजेस का डिफरेंस आपको दिया है ना, ओके तो छोटे वाले पर्सन का एज है ना एक्स अज्यूम करेंगे, और बड़े वाले पर्सन का एज जितने का डिफरेंस है, ठीक है ना, उसमें ऐड करेंगे। मतलब कैसे, जरा ध्यान दो। तो यहां पे मैं अज्यूम करता हूं लेट, ओके एज ऑफ, ओके लेट द प्रेजेंट एज, ओके द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर, ओके यंगर पर्सन इज इक्वल टू एक्स है। ओके देखो अब 2 पर्सन के एजेस का डिफरेंस आपको 16 ईयर दिया है, तो कभी भी अगर 2 पर्सन के एजेस का अगर आपको डिफरेंस गिवन दिया है तो छोटे वाले का एज है ना वो एक्स अज्यूम करेंगे, तो बड़े वाले का एज कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ओके ऑफ एल्डर पर्सन ओके इज इक्वल टू, ओके सो देयरफॉर यहां पे देयरफॉर अगर छोटे वाले का एज है प्रेजेंट एज एक्स है तो बड़े वाले का एज कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस है 16, तो यहां पे इसका एज होगा एक्स प्लस 16। देखो दोनों का डिफरेंस 16 आता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आता है। कभी भी अगर 2 पर्सन के एजेस का डिफरेंस आपको दिया है, ओके तो 1 पर्सन का एज एक्स अज्यूम करेंगे मतलब यंगर वन का, और एल्डर का एक्स प्लस 16 अज्यूम करेंगे, जितने का डिफरेंस दिया उसमें एड करेंगे एक्स में। ओके तो ये 2 पर्सन के एजेस का डिफरेंस हो गया। ओके तो यंगर वन का एज है एक्स, तो एल्डर वन का हो जाएगा एक्स प्लस 16। ओके नाउ अब जरा ध्यान दो, इफ 6 ईयर एगो द एल्डर वन, ओके इफ 6 ईयर एगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। अब देखो ध्यान दो, 6 ईयर एगो 6 साल पहले द एल्डर वन, अब 6 साल पहले एल्डर का एज कितना होगा, तो एल्डर का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स प्लस 16 है, एल्डर का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स प्लस 16 है। ओके तो 6 साल पहले इसका एज कितना होगा, एक्स प्लस 16-6। ओके 6 ईयर एगो बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन इज एक्स प्लस 16, तो 6 साल पहले उसका एज होगा एक्स प्लस 16-6। ओके ना ये इक्वल दिया है, किसकी इक्वल दिया है, एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन,
थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन. ओके नाउ अब यहां पे बोला है 6 साल पहले एल्डर वन का जो एज है वो होगा आपका एल्डर वन का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 16, उसमें से माइनस 6 करो क्योंकि 6 ईयर एगो बोला है. ओके और यहाँ पे 6 ईयर एगो दोनों के लिए, एल्डर वन के लिए भी है और यंगर वन के लिए भी है. ओके तो एल्डर वन का एज जो रहेगा बिफोर 6 ईयर इट इज एक्स प्लस 16 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स. ओके एज द एज ओल्ड एज द यंगर वन. तो यंगर वन 6 साल पहले कितने का होगा, यंगर वन यंगर का एज है अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो 6 साल पहले उसका एज हो जाएगा एक्स माइनस 6. ओके ये बनता है आपको आपका इक्वेशन. तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना जरूरी है, अब इसको इजीली हम सॉल्व करेंगे. ओके तो यहां पे एक्स 16 माइनस 6 ये हो जाएगा 10. ओके इज इक्वल टू इट इज अ 3x माइनस 18. ओके एक्स को राइट में लेके जाओ, यहां पे 10 प्लस 18 ओके इज इक्वल टू इट इज अ 3x माइनस एक्स. ओके ना कितना आएगा ये, यहां पे आएगा ये आएगा 28. ओके इट इज अ 2x सो x इज इक्वल टू आपको मिलता है 14 ईयर. ओके तो ये होता है x मतलब क्या है, x मतलब यंगर का एज है तो एल्डर का एज कितना होगा, सो देयरफॉर एज ऑफ एल्डर एल्डर इज इक्वल टू हाँ कितना x प्लस 16, 14 में 16 ऐड करो तो 14 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू ये होगा 30. ओके 30 ईयर. ओके तो इन देखो अभी एल्डर का एज हो गया 30 साल, यंगर का एज हो गया 14 साल मतलब 14 साल, दोनों के एज का डिफरेंस 16 साल है. ठीक है करेक्ट है. तो ये होता है सेकंड प्रॉब्लम. ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब देखते हैं इसपे थर्ड प्रॉब्लम. ओके ना थर्ड प्रॉब्लम यहां पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240. अब मैंने आपको नोट में बताया था कि अगर दो पर्सन के एजेस का प्रोडक्ट दिया है तो एक का एज हम एक्स अज्यूम करेंगे और दूसरे का एज अज्यूम करेंगे प्रोडक्ट अपॉन एक्स. ओके नाउ तो देखो सॉल्यूशन में तो यहां पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता, अंकित और निकिता के एजेस का प्रोडक्ट दिया है. ओके सो यहां पे हम अज्यूम करेंगे लेट. ओके अंकित का एज जो है ना वो हम या फिर निकिता का जिस किसका एज निकालना है, व्हाट इज द एज ऑफ निकिता, निकिता का एज निकालना है तो निकिता का एज हम एक्स अज्यूम करेंगे. लेट निकिताज एज लेट निकिताज प्रेजेंट एज. ओके नाउ निकिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, निकिता का जो प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स अज्यूम किया है. ओके नाउ और अंकित का एज कितना होगा, सो देयरफॉर अंकित 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 प्रेजेंट एज. ओके अंकित प्रेजेंट एज इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट दिया है 240. अगर निकिता का एज अगर आप एक्स अज्यूम करते हो तो अंकित का एज जो है ना वो एक्स अपॉन सॉरी 240 अपॉन एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, 240 अपॉन एक्स. क्यों, अब देखो दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट आता है 240. कभी भी अगर दो पर्सन के एजेस का प्रोडक्ट दिया है तो एक का एज एक्स अज्यूम करेंगे और दूसरे का एज प्रोडक्ट अपॉन एक्स अज्यूम करेंगे. ओके तो इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको 240 के बराबर मिल जाएगा. क्लियर है ना. अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या क्या गिवन दिया है. ओके ना जरा ध्यान दो. अब बोला इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिताज इज मोर देन द अंकित एज बाय 4 ईयर. ओके ना यहां पे बोला है ट्वाइस द एज ऑफ निकिताज. ओके तो ट्वाइस द एज ऑफ निकिता करते हैं 2x, x का निकिता का एज जो है वो x है तो ट्वाइस द एज ऑफ निकिता बी विल बी 2x. ओके नाउ हाँ अब बोला है हाँ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज. ओके इज मोर देन अंकित एज बाय 4 ईयर. ओके अंकित का एज कितना है, अंकित का एज है 240 अपॉन एक्स. ओके बोला है इज मोर देन, मोर देन मतलब प्लस करना पड़ेगा प्लस. ओके निकिता का एज ओके ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, अगर मैं निकिता का एज का डबल करता हूं ओके तो ये किसके बराबर मिलता है मुझे, ये मिलता है अंकित का जो एज है उससे 4 साल बड़ा मिलता है मतलब प्लस 4. ओके अंकित एज मतलब निकिताज ट्वाइस द एज ऑफ निकिताज ओके इज मोर देन मीन्स प्लस ओके
मोर देन अंकित एज बाय फोर ईयर, अंकित एज बाय फोर ईयर मीन्स प्लस फोर करना पड़ेगा आपको। ओके नाउ, तो यहां पे इस अभी इक्वेशन बनाते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो इट इज अ टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पे 240 प्लस यहां पे मिलेगा आपको 4x। ओके, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, यहां पे आइए सबको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो इट इज अ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू जीरो। 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ओके यहां पे आएगा 120 इक्वल टू जीरो, लाइक दैट। ओके नाउ अब यहां पे प्रोडक्ट 120 आना चाहिए, क्लियर है, और इसका सब्ट्रैक्शन 2x आना चाहिए। तो क्या हो गए फैक्टर्स इसके, अगर यहां पे माइनस 120 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए, सॉरी हाँ प्रोडक्ट माइनस 120 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो रहेगा वो माइनस 2 आना चाहिए। तो यहां पे मैं लेता हूं 12 × 10। ओके, बड़े नंबर का साइन माइनस, छोटे नंबर का प्लस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 120 होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 2 होता है। ओके, सो इसमें एक्स पर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 12 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 10 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू जीरो, लाइक दैट। ओके, तो यहां पे लिखता हूं मैं, सो इसका मतलब होगा कि एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होगा एक्स इक्वल टू 12 और एक्स इक्वल टू माइनस 10। अब x मीन्स क्या है, x मीन्स एज है और एज कभी निगेटिव में नहीं आता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो x एज हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तो ये रहेगा आपका निकिता का एज। ओके, सो एज ऑफ निकिता कितना मिला आपको, सो देयर फोर यहां पे मिलता है एज ऑफ निकिता, निकिता इज इक्वल टू 12 ईयर। ओके, तो फिर अभी अंकित का एज कितना होगा, सो देयर फोर अंकित एज इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 240 अपॉन 12 मतलब ये मिलेगा 20 ईयर, करेक्ट है ना, इट इज करेक्ट। ओके ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत आसान है। ओके, दो पर्सन के एजेस का प्रोडक्ट आपको अगर 240 दिया है, तो पहले पर्सन का जो एज है वो x अज्यूम करेंगे और दूसरे पर्सन का जो एज है वो 240 अपॉन x अज्यूम करेंगे, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट 240 आता है। ओके, बाद में क्या बोला है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, तो निकिता के एज का ट्वाइस करता हूं मैं, तो ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाय फोर ईयर, इज मोर देन अंकित एज बाय फोर ईयर मीन्स क्या, अंकित का एज और उसमें फोर एड करेंगे, मोर देन में फोर एड। ओके, लेस देन में लेस देन बोलते हैं तो माइनस फोर करते हैं। ओके, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, टू से डिवाइड कर दिया। ओके, मल्टीप्लीकेशन माइनस 120 आना चाहिए, एडिशन इसका माइनस 2 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर हो गए माइनस 12 और 10। ओके, तो मतलब यहाँ पे माइनस 12 और 10 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 120 आता है और दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 2 आता है। ओके, तो यहां से मिलता है x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 10, बट x इक्वल टू माइनस 10 को हम अज्यूम नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एज जो रहता है वो पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में नहीं होता है। ओके, तो हम x इक्वल टू 12 को अज्यूम करेंगे, तो x इक्वल टू 12 मीन्स क्या, x मीन्स निकिता का एज हो गया, तो एज ऑफ निकिता हो गया 12 ईयर, तो अगर अंकित का एज निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 12 मतलब 240 अपॉन x। तो यहाँ पे आपको निकिता का ही एज पूछा था, तो ये 12 ईयर हो गया, तो अंकित का एज अगर निकालने के लिए पूछता है आपको, तो ये मिलेगा आपको 240 अपॉन 12 दैट इज अ 20 ईयर्स। ओके ना, अब देखते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। ओके ना, 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल बाद, 3 ईयर हेंस का मतलब होगा 3 साल बाद फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालना, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालना है, तो आप फादर का एज एक्स अज्यूम नहीं करोगे, जो यंगर वन होगा उसका एज हम एक्स अज्यूम करेंगे। ओके, तो बेटे का एज जो है वो हम एक्स अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आप फादर का एज अगर एक्स अज्यूम करते हो, थोड़ा हमें दिक्कत जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके नाउ, तो यहाँ पे सोल्यूशन जरा ध्यान दो, क्या करना है, लेट ओके सन का जो एज है, सन्स एज ओके इज इक्वल टू एक्स, ये प्रेजेंट एज है। ओके, जो मैं लिखूंगा ये प्रेजेंट एज रहेगा। ओके,
तो फादर का एज कितना होगा, जरा ध्यान दो, फादर का एज आपको जो है ना वो एक ही वेरिएबल में प्रॉब्लम बनाना है। ओके देखो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो ऑब्वियसली यहां से समझ में आता है कि सन का एज आपको एक्स अज्यूम करना है। ओके तो उसके कैलकुलेशन में आपको फादर का एज लिखना है। ओके ना, तो फादर का एज कितना होगा, ओके फादर्स एज ओके इज इक्वल टू, देखो कैसे करना है, सन का एज अगर आपने एक्स अज्यूम किया तो फादर का कितना होगा, तो ये आपको एक कंडीशन दिया है, इससे आप फादर का एज निकाल सकते हो। तो फादर का एज क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर मोर देन, 3 ईयर मोर देन मतलब 3+, 3 ईयर मोर देन मतलब 3+, ओके ना, 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन मतलब एक्स का, सन का प्रेजेंट एज एक्स है तो उसका 3 टाइम्स मतलब 3x, तो फादर का एज हो गया 3+3x, 3 ईयर मोर देन बोला है तो 3+ करेंगे, 3 ईयर लेस देन बोलते हैं तो 3 माइनस करते हैं। ओके तो इट इज 3x+3 लिखना है आपको। ओके मैंने 3+3x लिखा तो एक ही बात होगी। ओके नाउ तो फादर का प्रेजेंट एज हो गया 3+3x, सन का प्रेजेंट एज हो गया एक्स। ओके नाउ अब हमें कंडीशन देखो क्या बोला है सन का और फादर का एज निकालने के लिए। ओके तो क्या बोला है, 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, ये दोनों के लिए कंडीशन लागू होगी, 3 साल बाद द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, बहुत आसान है। ओके 3 साल बाद फादर्स एज, ओके 3 साल बाद फादर का एज कितना होगा, फादर का प्रेजेंट एज है यहां पे 3+3x, ओके ना, तो यहां पे बोला है 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल बाद फादर का जो एज होगा वो 3+3x+3 होगा, क्यों, क्योंकि ये फादर का प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद फादर का एज 3 से बढ़ेगा तो यहां पे 3+3x+3 लिखा। ओके ना इसके बाद फादर्स एज विल बी, हाँ 10 ईयर मोर देन, 10 ईयर मोर देन मतलब 10+, ओके ना 10+ मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, अब ट्वाइस द एज ऑफ द सन मतलब ट्वाइस द एज ऑफ द सन, अब एज ऑफ द सन कितना है एक्स है, लेकिन यहां पे पहला वर्ड बोलो 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद बोला है, तो ये जो 3 साल बाद है ये फादर के एज के लिए भी लागू होगा और सन के एज के लिए भी लागू होगा। ओके तो 3 साल बाद सन का एज कितना होगा, सन का प्रेजेंट एज है एक्स, तो 3 साल बाद सन का एज होगा x+3, तो ये मिलता है आपको इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके नाउ अब सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान दो, यहां पे तो यहां पे आएगा 3+3 6, तो यहां पे आएगा 3x+6 इज इक्वल टू, ओके यहां पे आएगा 10+, यहां पे आएगा 2x+6, करेक्ट है ना, तो इट इज अ 3x+6 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 10+6 16+2x, ओके एक्स को लेफ्ट में लेके आते हैं 3x-2x इज इक्वल टू, यहां पे 16, 6 को इधर लेके आते हैं -6, ओके तो 3x-2x विल बी एक्स एंड 16-6 इज 10, ओके तो व्हाट इज एक्स, एक्स क्या था आपका, एक्स था आपका एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन मिलता है आपको कितना 10, आपको फादर का एज निकालना है तो फादर के एज के लिए कैलकुलेशन करो। ओके सो देयरफॉर एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना है 3+3x है, यहां पे एक्स के लिए पुटअप करो 3+3 × 10, ओके ये होगा 30+3 33 ईयर, ओके तो फादर कितने साल के है 33 साल के है, ओके और उनका बेटा जो है वो 10 साल का है। जब भी फादर और सन का अगर प्रॉब्लम आता है तो फादर का एज ऑब्वियसली बड़ा ही होना चाहिए एज कम्पेयर टू सन, अगर सन का एज बड़ा आता है तो आप समझ लो कि आपका प्रॉब्लम रॉन्ग है। तो आज के लिए हम ये चार ही प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना, तो आई होप आपको चारों के चारों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, इसके बाकी जो प्रॉब्लम है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ऑन एजेस टॉपिक पे, ओके कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, ओके तब तक के लिए थैंक यू।